क्या वो लड़की कौन है और अभी उससे इतना चिपक क्यों रहा है? हाँ ठीक है, निवियर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लड़की के साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की कौन। दादी आप एक मिनट, आप मेरे साथ। हाँ आइए। मुझे पता था माँ आप जरूर परेशान होंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। ऐसी बात है पुत्र, तो अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तेरे साथ। नहीं नहीं इंदु, ऐसे नहीं होगा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे आप मैंने आपसे कहा था ना, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी आप कमरे में जाके आराम कीजिए, फिर दोबारा आ जाना। और वो अभी अभी की आप फिक्र मत करो, हम सब है उसे संभालने के लिए। ठीक है, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ, संभाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल संभाल लूंगी, आप आराम करिए। हाँ एक मिनट एक मिनट। अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें सबसे ढूंढ रही थी। You know what? तुम अपनी तरह आओ, पास ही रहा करो। प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं नहीं सही कह रही है, आज की शाम तुम दोनों साथ ही में रहो। काफी अच्छा डांस किया था आपने। सच आपको अच्छा लगा रहा? थैंक यू सो मच। तो क्या है ना, सब अभी की वजह से। ये जब सामने होता है ना तो दिल के साथ साथ पाँव भी झूमने लगते हैं। मुझे बहुत फोन कॉल करना है, मैं अभी आया। अभी कोई टेलीफोन कॉल नहीं, जो कॉल करना होगा न्यू ईयर पे करना, आप तो मेरे साथ ही रहोगे। आँखों के साथ साथ काम भी कमजोर हो गया। मैं वाइफ के पास आ रहा हूँ। What is this अभी? वाइफ के साथ तो तुम सारा वक्त गुजारते हो ना, कभी हमारे साथ भी वक्त गुजारो। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। Oh my God, सभी लोग ताली बजा रहे हैं, बाकी लोग तो गिर गए, पागल हो गए बाकी लोग। क्यों बुला रही थी मुझे? मैंने कहाँ बुलाया आपको? वो मीठा बोला थी, मुंह क्यों बना रहे हैं? आपको हुआ क्या? करतन लटके क्या? हाँ अभी ठीक हो गई। अभी डार्लिंग मैं क्या कह रही थी, मुझे ना कहीं घूमने का मन हो रहा है। चलो ना, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं अपनी वाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज अस। श्योर। तो चश्मे तुम क्या बोल रही थी? मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अगर नहीं बोला तो मैं मर जाऊंगा। मर क्यों जाएंगे, अभी तो डिनर शुरू किया है। देखिए हम तो घर के लोग हैं, कभी भी बात कर लेंगे। और ये गेस्ट हैं, अतिथि अतिथि देवो भव, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज, है ना? तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? आपकी मदद कर रही हूँ। आपने कहा था ना आपको बिल्कुल इनके जैसी लड़की पसंद है ना, और ये तो आपकी सबसे बड़ी फैन है। न्यू ईयर तो आपको इन्हीं के साथ मनाना चाहिए, है ना मीतू जी? तो बस ये आपको जहाँ ले जा रही है आप प्लीज चले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रियली रियली मेरी तरफ से आप दोनों बिल्कुल फ्री हैं, आपको इन्हें जहाँ ले जाना, जितने वक्त के लिए ले जाना प्लीज लेकर जाइए। और हाँ मीतू जी, ये ना थोड़ी शरारती हैं, ये आपको जरूर झूठ मूठ का बोलेंगे कि इन्हें तंग ना करें, लेकिन आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? ये जहाँ जाएंगे इनके पीछे पीछे जाइएगा, ये रॉकस्टार है, इनके साथ वक्त बिताने का मौका आपको फिर कहाँ मिलेगा। वाओ अभी I have to say, तुम्हारी वाइफ तो तुमसे भी ज़्यादा कूल है। मुझे क्या कर रही हो? सही तो कर रही हूँ ना? देखिए, मैं दिखती थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ, लेकिन हूँ मॉडर्न, बिल्कुल आपकी तरह। I believe in sharing is caring. So the two of you have a good time. Have a very happy time. Happy New Year. Do that. Tush tush. Oh, tush tush. Carry on. सुरेश तुम? हाय। वैसे नए साल होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से विश कर देना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से तुम्हें, नहीं मेरी और रच्चू की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार वालों को नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सुरेश।
सच कह रही हूँ, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है सुरेश। मुझे मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ प्रज्ञा। तुम्हें तो पता है कि मुझे इस शोर शराबे से बिल्कुल नफरत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे उस चिपकू के साथ चिपका के तुम जीत जाओगे? हाँ, बहुत स्मार्ट समझ लिया अपने हमको। हेलो मास्टर जी। ओके हेलो, एनीवेज मास्टर जी, मुझे अपनी वाइफ से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। तुम कहीं मत जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पेशेंस मास्टर जी, होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, थोड़े वक्त में पता चल जाएगा। दिस वे। तुम चलो मेरे साथ। आपको हा? और मुझे क्या समझती हो? क्या सोच के तुमने उसके सामने वो सब कुछ कहा? मैंने क्या कहा? क्या कहा? एक्टिंग कर रही हो, वो भी एक रॉकस्टार के सामने। मुझे पता है तुम जानबूझ के मुझे चिपकू के साथ चिपकाना चाहती हो, है ना? मैं ऐसा क्यों करने लगी? और आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो उसी के साथ रहना था। आपको तो बड़ी अच्छी लगी थी, हॉट लगी थी, उसे तो फायर ब्रिगेड लेकर चलना चाहिए। मैं समझ गया, जल रही हो तुम कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ नहीं कहा ना। मैं क्यों जलने लगी? मैं तो हेल्प कर रही हूँ आपकी। अच्छा, इस तरीके से हेल्प कर रही हो मेरी? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं उस चिपकू से अपना पीछा नहीं छोड़ सकता? हाँ दासी, हाँ देखो मैं उस चिपकू का कैसे चिपाक बना देता हूँ। जाइए जाइए, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं दूर जा रहा, मैं अपनी दासी को मिलने जा रहा हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें भी दासी से मिलना था। कम ऑन। दासी दासी दासी, अरे दासी दासी, मीट हर, ये है मीतू एंड ये मेरी दासिया। हाय। हेलो। हाय। दासी? हाँ, जैसे माँ की बहन मासी, वैसे दादी की बहन दासी। और दासिया आप तो इन्हें जानती है ना, ये है मीतू। हाँ मीतू, देखा बहुत अच्छा डांस कर रही थी तुम्हारे साथ। रियली? और तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ। राज कपूर नरगिस की याद आ गई तुम्हें देख के। ओह माय गॉड। सुंदर, इसे बाहर ले जाना चाहता है ना? ले जा, हम मेहमान संभाल लेंगे। नहीं दासी, आप क्या? अरे सुंदर, थोड़ी देर में नया साल शुरू होने वाला है, उसी का तोहफा समझ के रख ले, समझा? चले 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 जा। आपको क्या? अरे सुन, इस दोस्त है ना बड़ी खूबसूरत है, हमारे धर्म में अगर दूसरी शादी अलाउ होती ना तो मैं इसके साथ तेरी दूसरी शादी कर देती थी। दासी तभी तो ठीक है। अभी अभी रुको ना, क्या फैमिली है तुम्हारी, कितनी कूल है। देखो अब किस डक की परमिशन मिल गई है, अब चलो भी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। So what? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर तुम्ही ने तो कहा है ना। मैंने क्या कहा? तुम्हारा वो सॉन्ग। कौन सा? अरे वो वाला, शादी करो एक बार, हो 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 हो, गर्लफ्रेंड बनाओ बार बार हजार बार, हो। मेरी माँ, वो एक गाना था, वो सॉन्ग वैसा है, मैं वैसा नहीं हूँ। झूठ बोल रहे। अगर तुम वैसे नहीं हो तो एक बात बताओ, तुम कॉन्सर्ट में सारी लड़कियों को Excuse me, everyone. Can I have your attention, please? Ladies and gentlemen, friends and fans, and my dearest family. आज साल का आखिरी दिन है और कुछ ही देर में नया साल शुरू होने वाला है। कुछ लोग बीते साल को लेकर उदास है तो कुछ आने वाले साल को लेकर बहुत excited. Happiness, sadness, excitement, depression, emotion, जो भी हो, सबके मन में नए साल के लिए एक resolution जरूर है। कोई कुछ आदतें अपनाना चाहता है तो कोई छोड़ना,
क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये सब तो सबके दिमाग में चल रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने वाले हैं? कहीं चीजों को तुम्हारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? Well, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे लाखों फैंस हैं जो मेरे गाने गुनगुनाते रहते हैं, इंटरनेट, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में मेरे बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप सब लोगों को वही पता है कि मैं अपने फैंस के साथ कैसा हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ कैसा हूँ ये कोई नहीं जानता। Well, आप सब लोगों को मैं इस सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन है जो जो मेरे दिल में है। एक्चुअली आप सब लोग तो उसे जानते होंगे, आप में से कई लोग उसे जानते होंगे। ये भगवान कहीं उस नीतू से पीछा छुड़ाने के लिए ये सच ना बोल दे। और वो लड़की है माय डियरेस्ट, मेरी चार आंखों वाली, आप सबकी प्यारी, मेरी वाइफ प्रज्ञा। तुम वहां क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज कम ऑन स्टेज, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Happy New Year! Happy New Year! Hey, I'm so happy for you. Did you know तुझे कितने romantic way में wish किया? Happy romantic New Year! Happy New Year, Buddha. Happy New Year 2015. And now, ladies and gentlemen, can I have attention once again, please? मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देने वाला हूँ। ये बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज मैं इसे officially announce करने वाला हूँ। बुलबुल, everyone, ये है बुलबुल, मेरी वाइफ की छोटी बहन। है ना, ये बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह खूबसूरत और मेरी तरह सुपर कूल। तो क्योंकि ये मेरी वाइफ की छोटी बहन है, तो इनकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इसलिए आज मैंने इसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का फैसला किया। मैं इसकी शादी करवाने वाला हूं। और एक ऐसे लड़के से जो इस दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है।
ओके आई नो तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि इस दुनिया का बेस्ट लड़का तो मैं हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, नो डाउट, बट डोंट यू गाइस वरी क्योंकि ये लड़का मुझसे भी अच्छा है और बुलबुल से बहुत प्यार करता है. Yes, I'm talking about none other than my best friend, Purab. जो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है और जो लोग उसे पसंद नहीं करते, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा. हाँ, इसने अगर कोई गलत काम किया भी है तो वो मेरे कहने पे किया. इससे अच्छा लड़का बुलबुल को नहीं मिल सकता. और ये बुलबुल को बहुत खुश रखेगा क्योंकि ये बुलबुल से बहुत प्यार करता है. इसलिए इस नए साल की शुरुआत में इन दोनों दिलों को जोड़कर करना चाहता हूं. A special mention to my sister Alia. जिसने अगर आज मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता. ये तो इसी का सैक्रिफाइस है जो I'm very happy for you, Purab. That तुम्हें बुलबुल जैसी लड़की मिली. And बुलबुल, I'm extremely sorry जो मैंने पूरब को एकदम से हक कर दिया. You know, I just got carried away in my emotion. It's not my fault. थोड़ी emotional हो गई थी और ऐसा लगा जैसे आखिरी बार इसको हक कर रही हूँ. But you know what? I'm very happy for both of you. Wish you both a very happy new year and a wonderful married life ahead.